कंट्रोल ऑफ मेटाबोलिज्म फ कॉन्टेंट्स एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल ऑफ मेटाबोलिज्म इफेक्ट ऑफ ए टी पी एंड ए डी पी ऑन मेटाबोलिक रिएक्शन इफेक्ट ऑफ सिटरिक एसिड ऑन द मेटाबोलिक रिएक्शन एंड कंट्रोल ऑफ सेलुलर रेस्परेशन एंड ओवरव्यू आर द फ्लो चार्ट ऑफ द कंट्रोल ऑफ रेस्परेशन एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल ऑफ मेटाबोलिक रिएक्शंस डिफरेंट रिएक्शन अगर हम बात करें जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है हमारे बॉडी दी टाइटली रेगुलेटेड क्योंकि जितने मेटाबॉलिक रिएक्शन है कुछ ऐसे हैं जो ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व हैं एंड दे आर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी और कुछ ऐसे रिएक्शन है जो कम्प्लेक्स मालिक्यूल्स को बना रहे होते हैं यहाँ जो हम एग्जाम्पल कोड करने जा रहे हैं वो है ग्लाइकोलिसिस के रेफरेंस है ग्लाइकॉलिस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेटाबोलिक पाथवे फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ग्लाई जितने भी एरोबिक एन एरोबिक रेस्परेशन रेस्परेशन कहते हैं एनर्जी प्रोडक्श प्रोड्यूस होना हमारे बॉडी के अंदर जिस तरह से जो फूड हम लेते हैं वो ऑक्सीडाइज़ होता है और उसके ऑक्सीडाइज होने से आगे एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के जो स्टेप्स है उसमें सबसे पहला जो है वो ग्लाइकोलाइसिस है उसके बाद साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आता है अब अगर ग्लाइकोलाइसिस कंट्रोल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएंगी क्योंकि जो भी मेटेरियल फ्लो करके ग्लाइकोलाइसिस से आगे की तरफ जाना है तो सिंपली जिसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस की जो कंट्रोल है उसको इसकी स्ट्रेटेजिक वैल्यू ज़्यादा है अगर हम इसको कंट्रोल कर रहे हैं तो अगले स्टेप्स ऑटोमेटिकली आट्र, क्या हो रहे हैं कंट्रोल कर, हो रहे हैं ग्लाइकोलिस बेसिकली टेन स्टेप रिएक्शन है तो इसमें जो शुरू के स्टेप्स हैं इसमें जो रिएक्शन यानी स्टेप नंबर थ्री हम जिसको कहते हैं इट इज अ फास्फो फ्रुक्टोकनेज एंड वहाँ इन्वाल्व है जो फ्रुक्टो सिक्स फास्फेट को कन्वर्ट करता है फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस फासफेट के अंदर तो इसका अंदर रिएक्शन नंबर थ्री जो ग्लाइकोलिस का है उसके अंदर फासफो फ्रुक्टोकाइनेज एंडजाइम मौजूद दिस एंजाम इज वेरी इंपॉर्टेंट विद रेफरेंस टू कंट्रोल ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस ग्लाइकॉलिस के प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए इम्पॉर्टेंट इंजाम्स हैं हाउ इट इज कंट्रोलिंग अच्छा अगर सेल के अंदर पहले हम सिचुएशन क्रिएट अगर करें तो सेल के अंदर अगर ए टी पी ज्यादा है या एसीडाइल को एंजाम ए ज्यादा है एसीडाइल को एंजाम ए चूंकि करेबसाइकिल को चलाएगा अगर ए टी पी ज्यादा है या एसीडाइल को इंजाम ए ज्यादा है तो मजीद ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए ऑलरेडी जो मालिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं अगर ए है फिर तो आर एडी एनर्जी करंसी ज़्यादा है इसका मतलब ये हो कि सेल के अंदर जैसे ही ए का लेवल एक खास लिमिट से इनहेंस करेगा ज़्यादा करेगा क्रॉस करेगा उस लिमिट को तो ऑटोमेटिकली जो ग्लाइकॉलिस है इसको सस्पेंड हो जाना चाहिए इसको इनहबिट हो जाना चाहिए ताकि जो वेस्टेज ऑफ एनर्जी या वेस्टेज ऑफ मालिक्यूल तो उसको बचाया जा सके अब इसके लिए जो फासोकाइाइनेज एंजाइम है इसके ऊपर डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स मौजूद हैं फासो फ्रिक्टोसाइट जहाँ वो फासो के साथ एक तो सबस्टेट आकर बाइंड करेगी इसका मतलब इसके तो एक तो एक्टिव साइट है एक्टिव तो साइट के अलावा इस एंजाइम के ऊपर डिफरेंट जहाँ वो बाइंडिंग साइट है जिसको हम एलोस्टेरिक साइट्स भी बोलते हैं उसमें एक कुछ वो साइट्स हैं जहाँ ए टी पी आकर बाइंड करती है कुछ वो साइट्स हैं जहाँ आकर ए डी पी बाइंड करती है और कुछ वो साइट्स हैं जहाँ आकर सिट्रिक एसिड आकर बाइंड करेगा इसका मतलब ये होगा कि फासो के ऊपर सबस्ट्रेट से बाइंड करने के अलावा ए टीपी ए डी पी एंड सिट्रिक एसेड इन डिफरेंट तीनों मालिक्यूल करने की डिफरेंट पोजिशन मौजूद हैं अब हम बात करते हैं कि जब वेन देअ द इंक्रीज लेवल ऑफ ए टीपी जब ए टीपी का लेवल इंक्रीज करेगा तो ए टी पी बाइंड करेगी आकर फास्टो फिप्टोकाइने से अपनी स्पेसिफिक पोजिशन है बाइंडिंग साइट है ए टी पी की उस एंजाम के ऊपर जैसे ए टीपी बाइड करेगी एनजाम विल बी इनएक्टिवेटेड एनजाम हो जाएगा जिसकी वजह से ग्लाइकॉलोसो का स्टार्ट प्रोसेस हॉल्ट हो जाएगा ओके द सेकेंड कंडीशन कि ए का लेवल डिक्रीज है ए ज्यादा है और के बाद जब सेल्स एनर्जी यूज करता है तो ए को जब यूज किया तो ए बनता है आई डों डाई फॉसफेट अब ए की बाइंडिंग साइट फॉसफोफिक्टिज के ऊपर मौजूद है वो ए के अलावा दूसरी पोजीशन है तो जब ए डी पी वहां पर जाकर बाइंड करेगी इट विल एक्टिवेट द इंसान तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर अगर ए है तो ग्लाइकाल फॉल्ट हो जाएगी एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस रुक जाएगा और जब ए डी पी आ जाएगा तो ए डी पी इस एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिससे ग्लाइकोलिस का प्रोसेस जो है वो अप होगा आगे चलना शुरू कर देगा आगे ग्लाइकोलिस से, से ब्रेकडाउन शुरू होगी ग्लूकोज की आगे एनर्जी प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी और सेल के अंदर ए टी पी जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी जो कि सेल की नीड होगी दैट इज थर्ड मालिक्यूल जो थर्ड मालिक्यूल है दैट इज सिट्रिक एसिड सिट्रिक एसिड आमतौर पर इट इज प्रोड्यूस इन द साइकिल ये क्रैब साइकिल के अंदर प्रोड्यूस साइकिल जो था है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है जबकि ग्लाइकोलिसिस कहा हो रही है साइटोसोल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है तो इसका मतलब पहली बात यह कि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रिक एसिड है वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को कुछ नहीं करेगा सिर्फ वो मालिक्यूल्स सिट्रिक एसिड के जो माइट्रोकॉन्ड्रिया को क्रॉस करके साइटोसोल में आएंगे दे विल बाइंड विद दिस एनजाइम एंड दे विल इनहिबिट दिस वन अच्छा सिट्रिक एसिड के इनहिबिट करने का क्या साइंस है या क्या इसका इंपॉर्टेंस क्या है देखें अगर सिट्रिक एसिड ज्यादा है तो सिट्रिक एसिड आगे इलेक्ट्रॉन उस क्रैब साइकिल को चलाएगा और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को चलाएगा सिट्रिक एसिड ज्यादा होने का मतलब यह है कि एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले मालिक्यूल्स काफी ज्यादा अमाउंट में मौजूद हैं लिहाजा मजीद मालिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है इसलिए जब सिट्रिक एसिड का लेवल ज्यादा होगा तो एनर्जी सिंथेसिस का प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा चीजें अवेलेबल होंगी तो मजीद ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं होगी तो इस तरह से जो सिट्रिक एसिड जो है इसको यानी हाई कंसनट्रेशन जब साइटोप्लाजम के अंदर आएगी तो मजीद जो है वो इसकी ब्रेकडाउन जो है वो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को इनहिबिट किया जाएगा क्योंकि सिट्रिक एसिड एक्चुअली एक्चुअली साइकिल को चलाने के लिए काफ़ी होगा और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसपोर्ट जो ऑटोमेटिकली उससे आगे चलेगी दिस इज द ओवरव्यू अगर इस डायग्राम में आप देखें ओवरव्यू बताया बताएगा है किस तरह से जो फासफो फ्रुक्टोकाइनेज है उसको कंट्रोल किया जाता है तो फास्ो फ्रुक्टोकाइनेज एनजाइम अगर हम देखें ये हमारे पास फ्रुक्टोज सिक्स फास्फेट जब कन्वर्ट होती है फ्रुक्टोज डाई फास्फेट जिसको हम फ्रुक्टोज वन सिक्स बिस् फास्फेट भी बोलते हैं तो इसमें इस रिएक्शन इस के दरमियान आपको यह है वो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम नजर आ रहा है ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज अगर ए टी पी ज्यादा हो तो इट विल इनहिबिट ए टी पी इनबिट करेगी इसको जाकर तो इसका ज्यादा ए टी पी है तो ग्लाइकॉल्स का प्रोसेस रुक जाएगा क्योंकि ये फॉसफो फ्रुक्टोकाइनेज हो जाएगा इसी तरह से अगर सिट्रिक एसिड ज़्यादा है तो सिट्रिक एसिड सिर्क साइकिल में बनता है ये माइट्रोकर्जी को क्रॉस करेगा और में जाकर इसको क्या कर देगा इनहिबिट कर देगा सिमिलरली एम पी और ए डी पी पी इसको क्या करेंगे एक्टिवेट करेंगे क्योंकि ये लो एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लो एनर्जी लेवल में ये एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस जो होता है वो इन्हैंस होगा स्पीड अप होगा दिस इज वन एग्जाम्पल इसी तरह से बहुत सारे हर मेटाबोलिक पाथवे में डिफरेंट एंजाइम्स हैं जिनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मालिक्यूल्स जो है वो या इनहिबिट कर रहे होते हैं या उसको एक्टिवेट कर रहे हैं तो ओवरऑल सेल एक मैनेज करता है कि किस तरह से जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं उनको रेगुलरली करना है उनको किस तरह से कंटिन्यू करना है